दोस्तों आज हम देखेंगे क्या होता है माहौल जब बड़े शहरों में पले बढ़ने वाले बच्चे पहली बार अपने गांव घूमने जाते हैं। क्या वो अपने आप को गांव के माहौल में ढाल पाएंगे? जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि आज आपके हंस हंस के पेट फटने वाले हैं। उड़ीसा के ब्रह्मपुर से 23 किलोमीटर दूर ये खूबसूरत सा गाँव है पीताम्बरपुर। यहां हमारे मम्मी पापा दोनों पैदा हुए थे। दोस्तों आप सबके लिए मैं सीधी दास हूं, पर खुद के गांव में सब मुझे बाबूलू कब आया रे तू? हां मौसी आज ही सुबह आया। तेरा भाई जब छोटा था ना पेंट में हगता था। दोस्तों हमारे यहाँ का पूरी उपमा तरकारी आपको दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलने वाला। लालच में मैंने 5 प्लेट खा गया, फिर अचानक पेट से गुड़गुड़ करके आवाज आई, अरे पापा टॉयलेट किधर है? आजा इधर आ, ये रही टॉयलेट। अरे पापा यहाँ तो दरवाजा ही नहीं है। तू क्या अंदर जलेबी तलने वाला है क्या, जो लोग तुझे आके देखेंगे अपना काम करने का और निकल जाने का? अरे अब नहाना किधर है, बाथरूम तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अरे पापा। हाँ बोलना। बाथरूम तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, नहाना किधर है? ये क्या इधर है ना। अरे पापा ऊपर के बिल्डिंग वाले सब देखेंगे ना इधर। अरे ये हमारा गांव है, तुम्हारा शहर नहीं है, जो लोग दूसरों के घरों में झांकते रहेंगे। बिंदास नहा, कोई नहीं देखने वाला। हे भगवान कोई देख तो नहीं रहा ना। अरे गाँव वालों देखो बबलू नंगा होके नहा रहा है। अरे भागो रे। अरे पापा आपके गांव में सब कुछ खुले में क्यों होता है? अरे बेटा हम गांव वाले खुले दिल के होते हैं, इसीलिए हमारा सब कुछ खुला होता है। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है। अच्छा पापा फिर आपका दिल भी खुला ही होगा। हाँ तो खुला है, आजमा के देख ले। पापा आपके खुले दिल से मुझे एक महिंद्रा थार गिफ्ट कर दीजिए ना। अरे अरे पापा नहीं चाहिए। अरे चलो तुम दोनों को मैं गाड़ी में ड्रॉप कर दूंगी। अरे वाह सही है। अरे चल रे भाई तू भी चल, जा बैठ जा। नहीं आप बैठिए। अरे तू छोटा है रे, तू आगे बैठ। आप बड़े हैं, आप बैठिए। तुम लोग आ रहे के नहीं रहे? अरे बैठ ना जल्दी, आप बैठो ना। चल बेटी चल। ये है हमारे नाना नानी जी का घर। स्विगी जोमैटो से ऑर्डर करके खाने वाली औरत आज लकड़ी का चूल्हा जलाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इस कोशिश के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अरे बच्ची ऐसे नहीं करते, रुक मैं सिखाती तेरे को, मैं एक्सपर्ट हूँ। इसको ऐसे पकड़ने का और जोर से फूंक मारने का। अब सीख गई ना जी मामी जी। दोस्तों हमारे गांव में केले के पत्ते में खाना सर्व होता है। ये सब आपको बड़े शहरों के लग्जरी होटल्स में नहीं दिखने वाले। और हमारे गांव में शाम ढलते ही चिपकली सांप बिच्छू आपका मनोरंजन करने के लिए बिन बुलाए आपके घर में घुस जाएंगे। जैसे यहाँ हमारे मामा जी उसको बड़े प्यार से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। What? दोस्तों अभी हम अपने पापा के साथ तालाब जा रहे हैं नहाने के लिए। हम यहाँ तालाब देखने में बिजी थे और इधर पापा कहीं खेतों में भाग गए। अरे पापा कहाँ चले गए? फिर एक जानी पहचानी सी आवाज आती है। हे भगवान पापा क्या कर रहे हो उधर? आजा खुद देख ले। सालों बाद मैं पहली बार तालाब में नहाने जा रहा था और मैं भूल गया था कि पिछली बार से मेरा वजन 40 किलो ज्यादा बढ़ गया है। फाइनली जिसका डर था वो हुआ और मैं डूब जाता हूँ। सिद्धिदास डूबेगा नहीं साला। Nice. दोस्तों धीरे धीरे गांव छोड़ के लोग शहर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस वजह से हमारे गांव के इस मंदिर में तबला मंजीरा बजाने के लिए भी लोग नहीं बचे। फाइनली इस मशीन को काम पे लगाया गया है। फिर आती है विदाई का मोमेंट। गांव में एक दिन रहने के बाद हम वापस शहर की ओर निकल पड़ते हैं। हमारी बड़ी मामी और बहन फूट फूट के रोने लगते हैं। छोटी मामी आप फ्री हो क्या? चलो फिर हम भी रो लेते हैं। मत रोइए मामी। अरे आंसू तो निकले नहीं मामी आपके। कम ऑन गुडली और आंसू निकालो, हमें उन दोनों से जीतना है। दोस्तों ये सब देख के मैं खुद इमोशनल हो गया, पर क्या करें हम लड़के हैं ना, आंसू छुपाने में माहिर होते हैं। तो फाइनली हमारा ये छोटा सा सफर खत्म होता है। बहुत सारी यादों को समेट के हम वापस शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। आज का ये छोटा सा वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। अगर आप भी अपने गाँव से प्यार करते हो तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।